आगे बढ़ते हैं, खबर कोलकाता से है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से में कई मुद्दों पर मंथन हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिली है। तो 3 दिवसीय ये कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें ताजा अपडेट ये है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई मुद्दों पर मंथन हुआ, जिसमें प्रमुखता महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या पर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 3 दिन के बैठक में पहली अपडेट यह है कि सपा की कार्यकारिणी के मुद्दों में शामिल रहा महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या। ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, उनसे ही जानकारी लेते हैं कि आज का दिन कैसा रहा, आज कौन कौन सी खबरें और कौन कौन सी चीजें नोटिस की गई कोलकाता में। वीरेश, देखिए इसमें लगा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महंगाई को लेकर बहुत चिंता व्यक्त की गई, बेरोजगारी की समस्या पर, नौजवानों की समस्या पर और किसानों की समस्या पर बात की गई, चीनी मिल और गन्ना किसानों को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। साथ ही ये भी तय किया गया कि जो अति पिछड़े हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी से कैसे जोड़ा जाए। ये भी तय किया गया कि जो धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक टिप्पणियों से बचा जाए, धार्मिक महापुरुषों और उनसे जुड़े प्रतीकों से कोई बात न कही जाए। साथ ही आज मंच पर जो बैठने वाले लोग थे, अगर हम बात करें, अवधेश प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव तो रहेंगे ही, लेकिन शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अबू आजमी, आज दो चेहरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, कई कवर कर चुका हूं समाजवादी पार्टी का, लेकिन दो चेहरे जो स्थापना के साथ हमेशा से दिखते रहे, चाहे वो आजम खां और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव तो अब है नहीं, उनके बगैर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रहा है। कोई भी ऐसा राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं रहा जिसमें ये दो चेहरे रहे न हो, हमेशा से रहे। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से आजम खां नहीं पहुंचे हैं। तो दूसरी तरफ शफीकुर रहमान वर्ग जो सांसद हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, कहा है कि मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में हो रहे किसी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्हें विशेष तरीके से बुलाया जाता था, आमंत्रित किया जाता था, बुलवाया जाता था। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जहां कुछ शिकायतें भी हैं, यहां अगर हम बात करें कोलकाता में जहां मैं मौजूद हूं, 5 सितारा होटल JW मैरियट में बैठक अभी भी चल रही है, 1.5 घंटे का लंच हुआ था। किरणमय नंदा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, सचमुच देखा जाए तो उन्हीं की मेजबानी में ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है। हमेशा से राष्ट्रीय कार्यकारिणी, ये 6वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी है समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी की तो अगर हम देखें यूपी की पार्टी मानी जाती है, उसका राष्ट्रीय कार्यकारिणी मुंबई में भी हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश से बाहर किसी जगह पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुआ है तो वो कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी, यहाँ 6वीं बार, और शुभ भी माना जाता है। कल से ये मैं बता रहा हूँ कि जितनी बार यहाँ पर बैठकें हुई हैं, समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सफलता की प्राप्ति हुई है, लेकिन आज का जो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें कई चेहरे नए देखने को मिले, चाहे वो लालजी वर्मा हो, रामचंद्र राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये सारे चेहरे सभी बसपा के बड़े और प्रमुख चेहरे हुआ करते थे। जब उनकी बैठक होती थी, बहन जी बुलाया करती थी, तो ये तीनों बड़े चेहरे उसमें हुआ करते थे, इनकी बड़ी भूमिका हुआ करती थी। आज इनकी समाजवादी पार्टी में बड़ी भूमिका है। कुल मिलाकर के एक गुलदस्ते के फॉर्म में नजर आए, जहां पर बाहर की पार्टियों से आए समाजवादी पार्टी में शामिल हुए चेहरों को भी शामिल किया गया, और कार्यकारिणी की बैठक के अहम बिंदुओं को आपने बताया वीरेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कोलकाता में सपा जोड़ने का फॉर्मूला तैयार कर रही है, लेकिन संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का कहना है कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया, बुलाया जाता तो जरूर जाते। तो देखिए, कार्यकारिणी की बैठक में बुलावा नहीं मिलने पर नाराज बताए जा रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क। कहा कि जिस तरीके से मुलायम सिंह के जमाने में उन्हें बुलाया जाता था, वैसे अगर बुलाया गया होता तो वो जरूर कोलकाता जाते। तो नाराजगी उन्होंने जाहिर की है और कहा कि पार्टी में उतने रिस्पेक्ट के साथ, उतने सम्मान के साथ बुलावा भेजा नहीं गया जो अमूमन भेजा जाता था। क्या क्या एजेंडा है पार्टी का आज 7 साल के बाद जो सम्मेलन हो, में शिवपाल यादव भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन आप और आजम खान जैसे सीनियर नेता समाज, तो आई वाज नॉट इनवाइटेड। आपको नहीं इनवाइट किया गया? कोई इतना क्यों, आप तो सांसद हैं। पता नहीं क्यों, मेरे पास तो कोई इतना नो इन्फॉर्मेशन है।
मतलब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मेलन की जो सांसद है, तीन ही सांसद है लोकसभा में, आपको सीनियर सांसद है, आपको भी इन्विटेशन नहीं आया? अच्छा, क्या लगता है मुलायम सिंह यादव के बाद कुछ नजरअंदाज किया जा रहा है पार्टी में? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये उनकी जाती राय है, मुझे क्यों नहीं बुलाया या औरों को क्यों नहीं बुलाया, अब ये तो वो जाने। बहरहाल अभी मेरी उनसे कोई बात हुई नहीं है इस सिलसिले में। अखिलेश यादव जी ने कोई फोन नहीं किया किसी ने? ना, कोई फोन ना कोई लेटर। पहले बुलाया जाता था आपको सम्मेलनों में, राष्ट्रीय सम्मेलनों में? हाँ, क्यों नहीं बुलाया जाता था, बुलाया जाता था हमेशा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।